अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दादी माँ के 15 बेस्ट किचन टिप्स, स्वास्थ्य से लेकर सेहत तक समय निकालकर ज़रूर सुने, आपके घर और किचन में बहुत काम आएंगे। नंबर एक, अक्सर आंच से उतारने के बाद भी बर्तन के गर्म होने की वजह से हमारा खाना पकता रहता है, इसीलिए खाने को, विशेष रूप से चावल को, ज़्यादा पकाने से बचाने के लिए उसे पूरी तरह से पकने से कुछ देर पहले ही आंच से उतार लें। नंबर दो, बेसन के लड्डू बनाते वक्त बेसन सिकने के बाद थोड़ा सा पानी छिड़क कर 4-5 मिनट और सेक लीजिए, इससे बेसन फूल जाएगा और लड्डू रवेदार बनेंगे। नंबर तीन, इडली डोसा या पकौड़ी के मिश्रण में दूध डालकर फेंटें, व्यंजन बहुत ही कुरकुरा बनेगा और घोल को फेंटने के बाद ही नमक डालें और तुरंत उतारें, पहले नमक डालने से व्यंजन में कुरकुरापन नहीं रहता है। नंबर चार, यदि आपको लहसुन का छिलका हटाने में परेशानी आती है तो इसे कुछ समय के लिए गर्म तवे पर रख दें, फिर इसका छिलका हटाएं, ये आसानी से छिल जाएगा। नंबर पाँच, सब्ज़ी अगर थोड़ी सी जल जाए तो इसमें 2 चम्मच दही मिला दें, इसमें खाने में जलने का स्वाद नहीं आएगा। नंबर छः, 1 कप नारियल पानी में 2 ब्रेड और 1 चम्मच चीनी डालकर ब्लेंड कर लें, इसे इडली के घोल में मिलाने से खमीर अच्छा उठता है। नंबर सात, प्याज का छिलका उतारकर आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दें, फिर प्याज को काटें, आँखों से आंसू नहीं आएंगे। टिप नंबर आठ, गर्म पानी में 45 मिनटों तक राजमा डालकर ढक दें, प्रेशर कुकर में राजमा और पानी में इनो मिलाकर राजमा को आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ दें, कम टाइम में पक जाएगी। टिप नंबर 9, सब्जियां पकाने से पहले तेल में थोड़ा सा नमक डालें, ऐसा करने से पकने के बाद सब्जियों का रंग काला नहीं पड़ेगा। टिप नंबर 10, पनीर बनाने के बाद जो दूध का पानी बचे उसे आटा गूंधें, रोटी पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। टिप नंबर 11, अगर मिक्स वेज कटलेट बना रहे हैं तो सब्ज़ी उबालने के बाद जो पानी बचे उसे सूप में या फिर दाल पकाते समय डालें, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। टिप नंबर 12, लौकी का हलवा बनाते समय अगर लौकी में मलाई डाल के भूने तो हलवा अधिक स्वादिष्ट बनेगा। टिप नंबर 13, दही बड़े बनाते समय पिसी हुई दाल में थोड़ा दही मिला के फेंटें, दही बड़े अधिक स्वादिष्ट बनेंगे। टिप नंबर 14, कचौड़ी बनाते समय मैदे में थोड़ा सा दही डाल के गूंदे, कचौड़ियाँ सॉफ्ट बनेंगी। टिप नंबर 15, मौसमी को खाने से शरीर की ऊर्जा मिलती है, इसको धूप में जाने से पहले और बाहर आने के बाद खानी चाहिए, ये पानी की कमी को दूर कर देती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है, ध्यान से अपनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही जानकारी और टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। हम हर दिन आपको सेहत बनाने के कुछ टिप्स देते हैं, उनको फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए। हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा एक हेल्दी लाइफ गुजारिए। हमारी मेहनत, आपका स्वास्थ्य। इस वीडियो में बताई गई विधि, इस तरह की किसी भी उपचार, दवा, डाइट पर अमल करने से पहले आप किसी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना है। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।
अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, मेरी दुआओं में आप हमेशा शामिल हैं। अल्लाह हाफिज़, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे बहुत जल्द इसी तरह की किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।